मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज को मार गिराने का मामला, कनाडा समेत चार ममालिक का ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वाकये में तैयारे में सवार तमाम 146 अफराद हलाक हो गए थे। ऑन्टेरियो में शदीद बर्फबारी से बने मुजस्मे सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे। नायग्रा आबशार भी जमना शुरू हो गई। नायग्रा फॉल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टोरंटो और जनूबी ऑन्टेरियो के कुछ इलाकों के लिए सैलाब का खदशा। माहरीन का कहना है कि गर्म मौसम और बारिश के सबब शहरी सैलाबी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। आने वाले दिनों में शहर में 10 से 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बाइडन इंतजामिया को धचका, अदालत ने फैसला ट्रंप की पॉलिसी के हक में सुना दिया। 9 में से 5 जजों ने हिमायत और 4 ने मुखालफत में वोट दिया। बाइडन इंतजामिया की नरमी के 22 तारकीने वतन की तादाद बढ़ गई थी। इंग्लैंड में हड़तालों के 22 निजामी जिंदगी मुतासिर। रेल मुलाजमीन का क्रिसमस से पहले शुरू की गई हड़तालें जारी रखने का ऐलान। हजारों सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल की जिससे बहुत से हवाई अड्डे बंद रहे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा इन चार ममालिक में शामिल है जो फ्लाइट PS752 को मार गिराने के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराने की कोशिशों का आगाज कर रहा है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। कनाडा उन चार ममालिक में शामिल है जो फ्लाइट PS752 को मार गिराने के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराने की कोशिशों का आगाज कर रहा है। कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन और बर्तानिया ने तकरीबन 3 साल बाद बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को फ्लाइट PS752 को मार गिराने के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराने के लिए एक अमल को शुरू किया है, जब उसमें सवार 176 अफराद हलाक हुए थे। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने 8 जनवरी 2020 को तेहरान में टेक ऑफ के फौरन बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज को मार गिराया। जमीन से फिजा में मार करने वाले 2 मिसाइल तैयारे से टकरा गए, जिससे जहाज में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए, जिनमें 55 कैनेडियन शहरी, 30 मुस्तकिल रिहायशी और कनाडा से ताल्लुकात रखने वाले दीगर अफराद शामिल थे। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस ग्रुप, जो तैयारे के गिराए जाने पर जवाबदही और मुआवजे की कोशिशों को मरबूत करने के लिए तश्कील दिया गया था, ने ऐलान किया कि कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन और बरतानिया के वज़रा ने ईरान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो बैनुल अक्वामी तनाज़ात के हल के अमल, सिविल एविएशन की हिफाजत के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयों को दबाने के लिए कन्वेंशन के तहत बाइंडिंग सालिसी के लिए पेश करे। कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन, बरतानिया और ईरान इस कन्वेंशन के तमाम फरीक हैं, जिस पर 1971 में मॉन्ट्रियल में दस्तखत हुए थे। माहरीन का कहना है कि अगर ईरान हार जाता है तो ये दुनिया के लिए वाज़ेह निशानी होगी कि उन्होंने सच फराहम करने से इनकार कर दिया है। ये इस बात का एतराफ़ होगा कि ईरान ने इस जुर्म के लिए सही फरीकों को जवाबदेह नहीं ठहराया है। ये वाकई वही है जिसके लिए अहले खाना जोर दे रहे हैं। मौसम सरमा के तूफान की वजह से बर्फ की नयाब शक्लें सैकड़ों सयाहों को ऑन्टेरियो के एक कस्बे की जानिब खींच रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मौसम सरमा के तूफान की वजह से बर्फ की नायाब शक्लें सैकड़ों सयाहों को ऑन्टेरियो के एक कस्बे की जानिब खींच रही हैं, जबकि दुनिया की मारूफ तरीन आबशार और सयाहों के सबसे पसंदीदा मुकाम नियाग्रा फॉल भी ठिठरती सर्दी में जमना शुरू हो गई। अमरीका और कैनेडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी वाक़ हुई है, लेकिन नियाग्रा आबशार जमना शुरू हो गई। कुछ हिस्से तो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गए। हालिया मौसम सरमा के तूफान के दौरान पोर्ट स्टैनले का घाट मौसम सरमा के मुजस्मे के बाग में तब्दील हो गया था। तूफान की तेज हवाओं और नीचे जमने वाले दर्जा हरारत ने पोर्ट स्टैनले घाट को बर्फ के मुजस्मे के डिस्प्ले में तब्दील कर दिया, जो कुरून वस्ता और अदबी मंजर कशी से मुवाजना कर रहा है। मुकामी अफराद का कहना है कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा कुछ लग रहा है, ये बिल्कुल गैर हकीकी है, उसने कहा। यहाँ बहुत सारे लोगों को देखना हैरत अंगेज है। आम तौर पर पोर्ट स्टैनले सर्दियों में बहुत पुरसकून होता है, इसलिए सयाहों का दौरा करने के लिए वापस आना अच्छा लगता है। माहिरीन का कहना है खित्ते में पहले ही गर्म दर्जा हरारत के साथ बर्फ के मुजस्मे ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। दूसरी जानिब नियाग्रा फॉल में हर सेकंड में 3160 टन पानी 32 फीट फी सेकंड की रफ्तार से गिरता है और तीन मुकाम से आने वाला पानी आबशार बनता है, लेकिन अब ये मुकाम वंडरलैंड का मंजर पेश कर रहा है। नियाग्रा फॉल जो अब वंडरलैंड की तरह दिखाई दे रही है की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सार्फीन ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। ख्याल रहे कि रवा मौसम सरमा में अमरीका और कैनेडा में आने वाले बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है और अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लाखों शहरी बिजली से महरूम हो गए और मामूलात जिंदगी ठप है। माहरीन की जानिब से टोरंटो और जनूबी ओंटेरियो के कुछ इलाकों के लिए सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। गर्म दर्ज हरारत और बारिश आने वाले दिनों में शहरियों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन की जानिब से टोरंटो और जनूबी ओंटेरियो के कुछ इलाकों के लिए सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। गर्म दर्जा हरारत और बारिश आने वाले दिनों में शहरियों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकती हैं। टोरंटो और जनूबी ओंटेरियो के दीगर हिस्सों में दर्जा हरारत में एक हफ्ते के दौरान दोहरे हिंसे में इजाफे की पेशगोई के साथ ये सैलाब के इम्कान के बारे में खदशात को बढ़ा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जगह जगह लगे बर्फ के ढेर खतरनाक साबित हो सकते हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से टोरंटो में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है कि शहर में 10 से 20 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। एक निज़ाम ओंटेरियो में मुंतकिल हो रहा है जो पूरे हफ्ते में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा देखेगा। टोरंटो में जुमे के रोज दिन के औकात में दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड के साथ रात भर में कम से कम 7 सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में तब्दीली जैसे कि जिस खित्ते के तजर्बे की पेशगोई की जाती है वो गैर मामूली नहीं है। उन इलाकों में जहां झीलों पर असरअंदाज होने वाली बड़ी बर्फ थी, जैसे कि नियाग्रा रीजन, कोबर्ग के मशरक में हाईवे 401 के जनूब में और जॉर्जियन बे के जनूब और मशरक के इलाके सैलाबी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि झील एरी के करीब की कम्युनिटीज जैसे वैन फ्लैट, फोर्ट कॉलबॉर्न और फोर्ट एरी आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी। टोरंटो और रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपने दायरा इख्तियार में नदियों और झील ओंटेरियो के हिस्से के लिए पानी की मामूल की सतह की इत्तला दी, लेकिन TRCA के अमले ने लोगों पर जोर दिया कि वो पानी के कुदरती जखायर के इर्द गिर्द मोहतात रहें। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की सरहदी पॉलिसी पर हुक्म इम्तना में तौसी करके बाइडन इंतजामिया को धचका लगा दिया। सदर बाइडन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए इमिग्रेशन इस्लाहात पर जोर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की सरहदी पॉलिसी पर हुक्म इम्तना में तौसी करके बाइडन इंतजामिया को धचका लगा दिया। सदर बाइडन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए इमिग्रेशन इस्लाहात पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रंप की पॉलिसी के हक में अदालती फैसला आ गया, जिससे बाइडन इंतजामिया को धचका लगा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की सरहदी पॉलिसी बरकरार रखने के हक में हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। 9 में से 5 जजेस ने हिमायत और 4 ने मुखालफत में वोट दिया। सदर बाइडन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए इमिग्रेशन इस्लाहात पर जोर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टाइटल 42 बॉर्डर पॉलिसी के तहत गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को मुल्क बदर किया जाता है। बाइडन इंतजामिया की नरमी के बायस तारकीन वतन की तादाद बढ़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट बॉर्डर पॉलिसी पर मुकदमे में फरीकैन के दलाइल आइंदा साल फरवरी में सुनेगी।
इंग्लैंड में रेलवे की हड़ताल के 22 लाखों अफराद को ट्रेनों की मनसूखी का सामना करना पड़ा। पासपोर्ट कंट्रोल अफसरान ने हड़तालों के दूसरे सिलसिले का आगाज भी कर दिया है जो नए साल तक जारी रहेगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड में रेलवे की हड़ताल के 22 लाखों अफराद को ट्रेनों की मनसूखी का सामना करना पड़ा। पासपोर्ट कंट्रोल अफसरान ने हड़तालों के दूसरे सिलसिले का आगाज भी कर दिया है जो नए साल तक जारी रहेगी। पब्लिक एंड कमर्शियल सर्विसेज यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा है कि अगर हुकूमत अपने खजाने का थोड़ा सा मुंह खोले तो हड़तालें मंसूख हो सकती हैं। इंग्लैंड में हड़तालों से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। रेल मुलाजमीन ने क्रिसमस से पहले शुरू की गई हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। हजारों सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल की जिससे बहुत से हवाई अड्डे बंद रहे। गुज़िश्ता हड़तालों की तरह पासपोर्ट कंट्रोल अफसरान की जगह फौजियों और वजारत दाखिला के अमले ने ले ली है। बरतानिया भर में 250 से ज्यादा ड्राइविंग एग्जामिनर्स भी 16 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल इंग्लैंड में रेल के किरायों में अगले साल से 5.9 से 6.4% तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।